हाँ तभी तो कह रहे खेलत रहिए, धूपत रहिए, रोपत रहिए धान, अब मोने मोन विचारत रहिए बढ़ गेल डीजल के दाम। बोलो भैया रामे राम, अब मोदी हो समझाबे मन के बात में। 70 साल के मेहनत को 7 साल में बर्बाद किया, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। रोजगार के लिए आए सर, काम धंधा नहीं मिल रहा बिहार में, ना तो मिल रहा दिल्ली के अंदर, बताइए हम कहाँ जाएं? मोदी जी 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। कहाँ है, कहाँ है? घर के बाहर है, घर के अंदर है? आप हमें बताइए, हम वहीं से निकाल लेंगे रोजगार को। रोजगार नहीं मिला आपको? अगर मिलता तो मैं आपके सामने क्यों अवतरित होने के लिए आ जाते सर? बोल रहे हैं आप? नहीं सर, हम भी सच बोल रहे हैं। टीवी में जो दिखता है गोदी मीडिया बिकता है, दिखता तब तो लिखता इंकलाब जिंदाबाद, नहीं झुकेंगे अब की बार। सरकार को बदनाम करने नहीं आए, हम पेट के लिए आए हैं सर। हमें पेट में अन्न मिल जाए, हम मस्ती से खेलेंगे धूपेंगे। काट तो रही है सरकार। हाँ तभी तो कह रहे खेलत रहिए, धूपत रहिए, रोपत रहिए धान, अब मोने मोन विचारत रहिए बढ़ गेल डीजल के दाम। बोलो भैया रामे राम, अब मोदी हो समझाबे मन के बात में। राम कह रहे हो तो राम राज चल रहा है, क्या बात कर रहे हो आप? कहाँ राम राज चल रहा है सर? नहीं चल रहा है। राम आप भी हैं, राम हम भी हैं, लक्ष्मण वो भी है, लक्ष्मण वो भी है, सभी तो हैं। मोदी जी के राज मतलब राम राज। अरे मोदी जाए सिनेमा देखे, योगी टिकट कटावेला, प्यार मोहब्बत के धुन में गरीब के सतावेला। कब तक हमें सताओगे बेटी, हम सब मिल करके बचाएंगे। कब तक बेकूफ बनाओगे बेटा, हम सब मिल करके पढ़ाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बिजली पानी मिलता रहेगा, केंद्र में जिसका सरकार रहेगा, पूरा का पूरा हिंदुस्तान का बिजली और पानी का बिल भरेगा। दूध मांगेगा तो खीर देंगे, बिजली पानी का कनेक्शन काटेगा तो चीर देंगे। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, करनी वसूली का है पहचान, आपका बनाया पक्का मकान। मोदी जी का इंटरव्यू कौन लेगा? मोदी जी का इंटरव्यू कौन लेगा? जना लेगी। आए दिन बहार के, कमाई खाए के बाकी माए बाप के। हम है बिहारी, मेरा नाम है निशिकांत उर्फ पिंटू कुमार, नहीं झुकूंगा अब की बार। 70 साल के मेहनत को 7 साल में बर्बाद किया, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, करनी वसूली का है पहचान, आपका बनाया पक्का मकान। समस्या बताइए। समस्या ये है कि हम सब गरीब को रोजगार मिलना चाहिए पहले के जैसा, जैसे कांग्रेस के राज में मुझे रोजगार मिलता था रात कमा। अच्छे दिन आए हैं, अब अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन कैसे आ गए सर? काल में चला गया। हाँ हाँ अच्छे दिन तो आ गए हैं, हम भी मान रहे हैं। हमारी माँ बहन को गाली दे रहा बैंक वाले आकर के दरवाजे पे, बैंक वाले आकर के गाली दे रहा है, कह रहा रुपया नहीं देगा तो तेरे को जान से मार दूंगा, धमकी देता है मेरे परिवार को। क्यों? क्योंकि घर के बाहर खुश है, घर के अंदर दुख है। अरे सब खुश है, चंगा सी मोदी जी बोलते हैं, सब चंगा सी। हाँ तभी तो हम भी पूछ रहे हैं, मोदी जी बताई ना ब्याह कब होई? होई होई जल्दी होई, हम भी इंतजार कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी के ब्याह से तुम्हें क्या लेना? पर्सनल जा रहे हैं आप? तो निजी मामला है उनका, उस पर किसका? अरे तो मेरा ब्याह नहीं करवाएगा मोदी जी। तो मोदी जी ने ठेका लिया तुम्हारा? तो किसका ठेका लिया? आपका लिया है? आपका करवा रहे मोदी जी? आपका लिया ठेका? मोदी जी ब्याह करवाएंगे? नहीं नहीं, आपका आपका ठेका लिया है? किसका लिया? अग्निपथ लेके आप आए हो, हम सबका घर जलाए हो, तो कौन हमारे घर में आ जाएगा? कौन सा बहन बेटी हमारे घर में आएगा? आप बताइए ना, हमारा तो घर जल गया है ना। आपको नौकरियां मिल रही अग्निपथ से? अरे पहले नौकरी तब छोकरी, अब कुछ नहीं होगा। पहले नौकरी चाहिए हमें, पहले नौकरी चाहिए। 2 करोड़ रोजगार, पकौड़ा तलने का रोजगार, पकौड़ा तलने के लोग रोजगार दे दिया तो आप सब काहे के लिए हमारे सामने खड़े हैं? टीवी स्टूडियो वाले आकर के
वहीं जाते पकौड़ा के सामने, वहीं खाते, वहीं प्रचार करते। कांग्रेस ने भेजा है क्या आपको? हाँ कांग्रेस ने भेजा है क्या? कांग्रेस के तो भाई पक्का समर्थक हूँ मैं। मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, आप सब गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस वाला कोरोना फैला रही है भारत जोड़ो यात्रा में। कांग्रेस वाला प्रेम के गली से भारत जोड़ो यात्रा हम निकालेंगे, और भाई बहन सब, भाई बहन चाचा चाची सबसे हाथ मिलाएंगे, समझ गए ना? हाँ कोरोना फैला गए ना, जब जब तुम परिक्रमा लगे ले तब तब कोरोना तो लेके अले रे, बिना बीमारी के तो सबके डबल डोज लगवेले रे। मोदी जी विश्व गुरु बना रहे हैं देश को, क्या दिक्कत है आपको? तो बनाइए ना विश्व गुरु, हम सबको रोजी रोटी दे दीजिए, कमाएंगे खाएंगे, आप लड़ते रहिए झगड़ते रहिए, हमें उससे क्या लेना देना है? किलो अनाज तो दे रही है महिला। अनाज दे रहा है, राशन पानी कौन देगा? पानी कौन देगा? 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, 50 रुपए का 5 किलो गेहूं मान लेते हैं आपके हिसाब से, लेकिन कूड़ा फेंकने के लिए आता गाड़ी वाला आता नगर निगम वाला, तो 50 रुपया महीने में लेकर चला जाता, तो 5 किलो गेहूं देने से हमें आपको फायदा क्या हुआ? अरे तो थोड़ा तो सहना पड़ेगा 56 इंच का सीने वाले प्रधानमंत्री को पालने के लिए। 56 इंच का सीना होता अगर तो मोदी जी के बीबी भटकते नहीं, घुरता गली गली। बीबी पे क्यों आए तो मोदी जी? तो किस पे आए? किस पे आए सर? किस पे आए? किस पे? अरे भैया सुन लो मेरी बात, मोदी जी के बीबी बोली लोटा तक बिक जाएगा, जीत जाएगा मोदी अगर तो देश बेच के भागेगा, समझ गए ना? मोदी जी के बीबी बोली लोटा तक बिक जाएगा, जीत जाएगा मोदी अगर तो देश बेच के भागेगा, याद रख लो। मोदी जी का जो है वो त्याग तपस्या देश हित में है, बीबी को छोड़ना तक कुछ हाँ। कुछ छोड़ दे देश के लिए। तो आप छोड़ना चाह रहे हैं मोदी जी की तरह, आप अपना बीबी को छोड़ना चाह रहे हैं? हाथ उठाइए, कौन कौन उठाना चाह रहा है अपना बीबी को छोड़ना चाहता है? अभी तो मेरी नहीं बात छोड़ो, दूसरी बात। दूसरी की बात क्यों करेंगे, जो है उसे हकीकत कीजिए ना। देश को सुरक्षित कर दिया है, सुरक्षित कर दिया है, सुरक्षित कर दिया है ना, तो फिर आप सब हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? कांप रहा है चीन, कांप रहा है चीन, कांप रहा है। हम तो वो कांप रहा, हम तो डर रहे हैं मोदी जी से। बताओ क्या करें, हम कहां जाएं, कैसे भागे? अम्मा एक बात, जब तोहरा बोले लियो गो मैया, तोहरा काहे नहीं अइले गे, तोहरा काहे नहीं अइले गे? मोदी जी के गलती नहीं करो, गलती नहीं। हाँ मोदी जी के राज में गरीब जो आदमी है वो खुश है, आप क्यों नहीं खुश हैं? क्या बोल रहे हैं सर, आपका क्या नाराजगी है? मोदी जी के राज में सब गरीब खुश है, सब गरीब खुश है, हम भी तो खुश हैं, हम भी तो खुश हैं कि हमें भी 15 लाख अकाउंट में आ जाएगा। 15 लाख नहीं दिए मोदी क्या? अरे भैया 15 लाख के झांसा दे के सत्ता में आए गए लोग, कहे जो 15 लाख नहीं दिया मोदी जी ने, झूठ बोला। साल के 2014 में कहा था सबसे खाता खोला लो दे दूंगा 15 लाख में, शादीशुदा मर्दों की हालत देख लो 2022 में, कहा था मोदी जी खाता खोला लो दे दूंगा 15 लाख में। आप तो खाते नहीं खोला है, कैसे मिलेगा 15 लाख? खाता है, खाता हाँ। अरे खाता तो भैया दो दो चार चार वो ये रहा देखो तो क्या है, ये क्या है? तो जेब है, खाता खुलाइएगा तब ना मिलेगा। अरे लो कांग्रेसी वालों ने भेजा तुम्हें। अरे ये बताओ 8 साल में मोदी जी ने क्या काम किया? 8 साल में सब बढ़ के बढ़िया काम किया है। क्या काम किया मोदी जी? हर साल बढ़िया काम करता है, समझ गए ना? मोदी जी के कोई गलती नहीं है। कितना काम किया है? 3 तलाक हटा दिया, 370 हटा दिया, नोटबंदी लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया है, और क्या काम है ना? और सुनिए अभी बम्बई में सरकार गिरा दिया, तो सारे तो अच्छे काम कर रहे हैं। कब तक रहोगे चपाती में? आना पड़ेगा गुवाहाटी में, याद रख लो। क्यों हो जब मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, तुम क्यों बोल रहे हो फिर? कौन कि हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला? यार हमें नहीं मिला ना, आपको मिला है ना? आपको मिला फिर भी आप रोड पे हैं, हमें नहीं मिला तो हम भी रोड पे हैं, आखिर हम कहाँ जाएं? आप बताइए, आपने तो सारा काम गिनवाया मोदी जी के।
हमारा तो काम है। तो हम भी तो मेहमान है ना, हमारा भी स्वागत कीजिए ना, लाइए चाय पानी पिलाइए, कहाँ दिक्कत है मैडम, हम भी तो मेहमान बन के आए हैं ना। मोदी जी का सम्मान कर रहे हैं, समझ गए ना, मोदी जी का सम्मान कर रहे हैं, संविधान के सम्मान में हम भी हैं हिंदुस्तान के मैदान में। कोई है माइका लाल तो कोई है माइका लाल, कोई है माइका लाल तो करे आदमी पथ और साइकिल पर सवाल, चाहे कोई मोदी जी के पिताजी ही क्यों ना हो, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। यूपी बिहार राजस्थान पंजाब का रहने वाले हैं, गरीब किसान मजदूर बेलदार नौजवान के बेटा हैं, एनआईटी फरीदाबाद पर्वतिया कॉलोनी वार्ड नंबर 6 में बम विस्फोट हुआ है, गूंज रहा है हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, सिंदूर नहीं सिंगार है, सिंदूर नहीं सिंगार है, इसमें पति का प्यार है, कब तक हमें सताओगे बेटी, हम सब मिलकर के बचाएंगे, कब तक बेकूफ बनाओगे बेटा, हम सब मिलकर के पढ़ाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो मोदी जी का नारा। तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, बिजली पानी हमारा है, कहाँ दिक्कत आ रहा है सर, दिक्कत कहाँ आ रहा, हम भी तो यही बोल रहे हैं, दिक्कत यही आ रहा है ना। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिख दिए, लेकिन ये नहीं लिखे है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, बिजली पानी हमारा है, तो भूलिए गए थे ना लिखने के लिए, अब लिखिए इसको।